पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर वो एडिटर रोजनामा सियासत जायद अली खान और उनके हिफाजती दस्ते के दो अरकान जो अखबार सियासत के रिपोर्टर्स भी हैं पर जुमे की शब नायब फंक्शन हॉल के करीब मुकामी अफराद ने हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद जायद अली खान और इनके साथी मजलिस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहे थे कि राहगीरों ने भी इनकी पिटाई कर दी। ताम जायद अली खान और अखबार के रिपोर्टर्स ने रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान और इनके साथियों पर हमले का इल्जाम लगाया है। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब जायद अली खान अपनी खानगी हिफाजती दस्ते के हमरा नायब फंक्शन हॉल में मुनक़िदा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान भी शादी में शिरकत के लिए वहां पहुंचे थे। जैसे ही जायद अली खान के साथियों ने मजलिसी रुकन असेंबली को देखा तो नारे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद हालात बिगड़ गए। दो ग्रुपों में तसादुम के बाद जायद अली खान के बशमूल अथर मोइन और मुबशिर खुर्रम नामी अफराद भी जख्मी हो गए। इस वाक़े के खिलाफ तेलुगुदेशम कम्युनिस्ट जमातों के अलावा मजलिस बचाओ तहरीक ने चारमीनार पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजियों ने रुकन असेंबली याकूतपुरा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज का कवरेज करने वाले 4TV के कैमरामैन सैयद अकबर पर तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान फरद ने हमला कर दिया। बौखलाहट का शिकार MBT लीडर ने गैर जरूरी तौर पर 4TV के कैमरामैन को निशाना बनाया। कैमरामैन अकबर की शिकायत के बाद चारमीनार पुलिस ने तर्जुमान MBT मजीदुल्लाह खान फरद के खिलाफ क्राइम नंबर 16/2009 के तहत दिफा 324 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर जायद अली खान और मुबशिर की शिकायत पर हुसैन आलम पुलिस ने रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान और दीगर अफराद पर इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े के बाद तेलुगुदेशम कम्युनिस्ट जमातों के अलावा MBT और प्रजा राज्यम ने हफ्ते के दिन पुराने शहर बंद का ऐलान किया था। ताहम आज पुराने शहर में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। चारमीनार तक मदीना कम्युनिस्ट जमातों के कारकुन जबरदस्ती बाजार बंद करवा रहे थे। कम्युनिस्ट कारकुनों ने एक ज्वेलर शॉप के मालिक को जद्दोजहद भी किया। कम्युनिस्ट जमातों के कारकुन जबरदस्ती दुकान बंद करवाने के मकसद से एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। केतला मिलते ही साबिक कारपोरेटर पत्थरगट्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला वहां पहुंच गए। उन्होंने मुखालिफ ताजरीन के हमरा कम्युनिस्ट जमातों की शरपसंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जिसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कम्युनिस्ट जमातों के कारकुनों को वहां से मुंतशिर कर दिया। जुलूस निकालते बंद कराते कोई खुश नहीं, जुलूस नहीं निकालते, खाली बोले तो बंद हुआ था यहाँ पे। बस ये जुलूस निकालते साहब, हम सालार बने तो बंद करे, अपील ले करे बाजार की। ये चोरों से हमारा एग्जाम ले रहे हैं अपने साहब, आप ये चोरों से हमारा एग्जाम असल है की मैंने यहाँ पे जान से मारने कोई बाजार बन के अपील करे। अरे तू हक जानने का है, ठीक है CPM रुकने राज्यसभा मधु ने अहमद बलाला के खिलाफ मीरचौक पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। कई ताजरीन ने 4TV को बताया कि कम्युनिस्ट जमातों के कारकुन उनकी दुकानात में जबरदस्ती दाखिल हो गए थे। ये बंद किस मकसद से रखना चाह रहे हैं आप? ये बंद क्या, ये क्या चीज़ है? ये बंद किस मकसद से रखना चाह रहे हैं? बंद से जो है सो हम लोग रोज़ कमाने वाले है, इस पर हमारे कारोबार मारखाने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, हम दुकानें लगाने नहीं दी हम लोगों, जो रोज़ कमेंगे तो रोज़ चलने वाले हम लोग का घर। वही बंद क्या मकसद है वो हमारे को बताइए आप, बंद क्या चीज़ से करना चाह रहे हैं आप? आप बंदी बन रहने का सवाल ही नहीं है। जायद अली खान को कौन पहचानते हैं, खान लतीफ़ खान को कौन पहचानते हैं? चुभी अपने दिल में ऐसा भारत बन, आंध्र प्रदेश बन, किसी से ताल्लुक ही नहीं है।
समझे, इन लोगों की कुछ यही नहीं है यहाँ पे। कोई कितने 10 मिल के आंदो, कोई पार्टियाँ एक जगह होके आंदो, कुछ भी होने वाला नहीं है ये, समझे। चुप ओल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी में इनो उसको MBT को या MIM को, MIM से इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पे। एक ही छः, एक ही छेगा मैटर। ओल्ड सिटी क्या है, एक ही जमात है, एक ही का चलेगा, चाहे 10 एक जगह होके आंदो, इससे किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे जूते खाते जाएंगे और कुछ भी नहीं होने का इन लोगों का यहाँ, समझे। अब एहतजाज ये वो बोले एक दुकान भी बननी है, खुद का दफ्तर खुला है उनका, खुद का ऑफिस खुला है, समझे। कुछ होने का नहीं है इनको यहाँ पे, ओल्ड सिटी में सिर्फ इनको ये छोने का है जगह जगह। पुराना शहर एक ही जमात का है, एक ही शहर का रहेंगे, समझे। कम ईद में भी बम ब्लास्ट हुआ, यही मजलिस पार्टी आके जो है सो सब इंतज़ाम करी हर वो चीज़। अभी ये चुप ज़बरदस्ती के आके जायद अली खां ऐसा करे वैसा करे, दात में गैर ज़रूरी करे, कुछ भी बंद नहीं है इसका असर। मजलिस जो है इतने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुलमुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, वाहिद शख्स है पूरे तमाम लोगों के लिए, हर वो चीज़ में फौरी कुछ भी इमिडिएटली काम होना है तो फौरी वो लोग ही आके जो है सो कुछ भी काम करते हैं हमारा हर वो चीज़ में। अब यहाँ पर इतने जो होते हैं सब कभी दिखते नहीं। अभी ये चुप बरसात के जो मेंढू के जो उछलते हैं ना उस तरीके से वो लोग आए हुए हैं बोलने के लिए, ये लोगों को कुछ आता आना जाता। यहाँ पर कायद बस असदुद्दीन अवैसी, बस मुसलमानों में इत्तेहाद नाफ इत्तेफाक करने के लिए ये लोग आए हुए हैं पार्टी बनाते हुए। इनको कोई पहचानता नहीं कुछ, खाली अखबार के तहत, खाली सियासत अखबार बल्कि वही नाम आता जायद अली खान साहब बल्कि बस ख़त्म, और कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ करने का ही नहीं है, चुप ऐसे वो चुप बोलते रहते हैं सब, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दावत में तो कुछ नहीं हुआ, दावत में आए दो लोग देखने करने के लिए रहे, नया फैंशन हॉल में वैसा कुछ नहीं रहा। इनुच जाके जो है सो रिकाबी फेंके मारे, वो करे ये करे, अब आके जो है सो ऐसा एडमिट हो गए, वो गए क्या होता है ऐसा, वहाँ से कुछ करने का ही नहीं है। कोई भी दावत में आने के बाद कोई ऐसा होता ना के दावत में वालों को परेशान कर दिए लोग सब, दावत यहाँ पूरे तितर बितर हो गए सब। रखने से कारोबार मुंतशर होता, इससे कोई मतलब ही नहीं है, गैर ज़रूरी बात है बंद रखने से। पब्लिक का नुकसान, गरीबों का नुकसान, रोज़मर्रा करने वालों का नुकसान, बहुत गलत काम है ये। ये अपना उनका ज़ाती मफाद है जो जाहिद अली खान जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो माहौल चेंज कर रहे हैं गरीबों के लिए, तकलीफ दे माहौल चेंज कर रहे हैं वो लोग, इसमें गरीबों का काफ़ी नुकसान हो जाता। अपने मफाद के खातिर गरीबों का नुकसान कर रहे हैं वो लोग, मफाद उनका ज़ाती है, समझे आप। इससे पब्लिक को नुकसान हो जाता, अवाम को नुकसान हो जाता, रोज़मर्रा करने वाले को नुकसान हो जाता। पब्लिक में दहशतगर्दी करने का जाहिद अली खान खुद कर रहे हैं, पब्लिक चाह रही नहीं कि पब्लिक को रोक के इंतजार पैदा करना, माहौल को चेंज करना, जमात को बदनाम करना, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। ये बाजार बंद करना गलत बात है, ये गिरा ख़राब हो रहा सब, परेशान हो रही, परेशान हो रही उससे। चले गए थे सांस सब, वो है ये है सब, क्या है धंधा ख़राब खा रहे। हाँ आपस का एहतियात तुलना गलत है। वाज़ह रहे कि बंद का ऐलान तमाम जमातों की जानिब से किया गया था।